अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, पेशे खिदमत है एक और सच्ची कहानी जिसका उन्वान है हमाम के अंदर। लिखने वाले हैं मसूद मुफ्ती और आप सुन रहे हैं हमेरा की आवाज़ में। आज की ये दोनों सच्ची कहानियाँ वीकेंड का ख़ास तोहफा हैं गुलमीर लोहदी के लिए। लीजिए जनाब, इन्जॉय कीजिए वीकेंड पे सच्ची कहानियाँ की दो अदद कहानियाँ एक साथ। आइए ये कहानी शुरू करते हैं। ट्रेन एक भारी घसीट से रुक गई। असलम ने उठकर दरवाज़ा खोला और हैंडबैग हाथ में लेकर उतरने लगा। नीले कपड़ों वाले एक आदमी ने लपक कर फर्शी सलाम किया। उतरने में स्टेशन मास्टर का पाँव ज़रा लड़खड़ाया तो वो फ़ौरन दोनों हाथ उठाकर बोला, बिस्मिल्लाह या अल्लाह फजल। फिर उसने झपट कर असलम के हाथ से बैग ले लिया और पास खड़ा खुशामद से मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ से अमले के लोग आ रहे थे, कुछ संजीदा कुछ मुस्कुराते हुए। आइए जी आइए, वो हाथ फैलाए दो कदम उनकी तरफ बढ़ा और फिर वापस असलम की तरफ भागा। ये हैं हुजूर शाह जी, हमारे टिकट बाबू, अल्लाह खुश रखे, बड़े नेक आदमी हैं। असलम ने हाथ मिलाया। और ये है जी बशीरा सिंगल मैन और फाटक मैन, अभी सीधा होके चल रहे, बशीरे नए साहब से मिल रहा है और चला भी नहीं जाता। असलम ने हैरत से दोनों को देखा। और हुजूर ये बाकी सब भी आपकी रियाया हैं, ये पानी भरने वाला, ये झंडी वाला, ये भंगी, ये मेट। और तुम कौन हो? असलम पूछे बगैर न रह सका। मैं जनाब का खादिम कांटे वाला हूँ, अल्लाह दिता नाम है, गाड़ियाँ शंट भी कराता हूँ, इस स्टेशन पर सबसे पुराना आदमी हूँ जनाब, 15 बरस हो गए हैं यहाँ मुझे, जो साहिब भी आते हैं उनका ताबेदार हूँ। अभी देखते क्या खड़े हो, उसने असलम की राया को डांटा, निकालो अंदर से सामान। और वो सब चटक से अंदर को भागे। असलम उसकी चर्ब जुबानी पर हैरान होता दफ्तर की तरफ चला। वो यहाँ बतौर स्टेशन मास्टर तब्दील होकर आया था। जब उसने जगह का जायज़ा लिया तो काफ़ी मायूस हुआ। छोटा सा स्टेशन, मामूली सा प्लेटफॉर्म, उस पर दो कमरे, एक स्टेशन मास्टर का और दूसरा टिकट बाबू का। स्टेशन मास्टर के कमरे में स्विच बोर्ड और तार का सामान भी था और बाबू के कमरे में टिकटों की शेल्फ के अलावा मुतफरिक रजिस्टर भी रखे हुए थे। प्लेटफॉर्म वेटिंग रूम वगैरह की सजावट से पाक था और उसके बजाय पीपल का एक बड़ा दरख्त था जिसके नीचे परिंदों की बीट से भरे हुए चंद बेंच रखे थे। साथ पानी का नल था जिसके पास ही खंबे के ऊपर शीशे के चौकोर डब्बे में टूटी हुई चिमनी वाला लैंप था। उसके ऊपर एक तीर लगा था जिस पर किबला लिखा था। सारे स्टेशन की यही कायनात थी। गाड़ी के गुजरने की एक लाइन प्लेटफॉर्म के साथ थी और दूसरी वैसे ही साथ बिछाई गई थी जो गाड़ियों के क्रॉस के वक्त इस्तेमाल होती थी या शटिंग के काम आती थी। असलम थोड़ी देर दफ्तर में बैठा जायज़ा लेता रहा। काम कुछ ज़्यादा था, सारे दिन में दो गाड़ियाँ आती थीं, एक शाम और एक सुबह। शाम वाली गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी का क्रॉस भी होता था। दोनों गाड़ियाँ मखलूत थीं, यानी बुनियादी तौर पर तो माल गाड़ियाँ थीं मगर उनके साथ 4-5 डिब्बे मुसाफिरों के भी लग जाते थे। स्टेशन छोटा सा था, करीब मंडी भी कोई न थी, इसलिए वहाँ से ज़्यादा सामान लादा नहीं जाता था। ख्याल यही था कि सुबह और शाम के काम के अलावा बाकी दिन फारिग गुजरेगा। इतने में अल्लाह दित्ता अंदर आ गया। बड़ी प्लेट में कुछ माल्टे और संतरे लाकर बड़ी खातिर से उसने असलम के सामने रखे और ख़ुद पास खड़ा होकर मक्खियाँ हिलाने लगा। अरे अल्लाह दित्ता, ये क्यों ले आए? जनाब, थोड़ी देर तक तो हमारे मेहमान हैं, उसके बाद आप अफसर और हम मातहत। आप हमारी कोई चीज़ खाएंगे तो हम भी दुनिया में सर उठाकर चल सकेंगे। असलम मुस्कुराए बगैर ना रह सका और संतरा उठाकर खाने लगा। उसने पहली बार गौर से अल्लाह दित्ता को देखा। वो गठीले जिस्म का ठिगना सा आदमी था, उम्र कोई 40 साल, सर के बाल काफ़ी घने, छोटा सा माथा जिसके नीचे कदरे खुबी हुई बेहद चमकदार आँखें, चौड़े दहाने पर खुशामदाना मुस्कुराहट बड़ी तेज़ी से नमोदार हो जाती और फिर गायब हो जाती, कंधों में धंसी हुई छोटी सी गर्दन और नीचे चौड़ा सा जिस्म। असलम संतरे खाता रहा और वह हाथ हिला हिला कर हालात बताता रहा कि यहाँ फलां साल में फलां स्टेशन मास्टर था, उसके बाद फलां आया, किसके वक्त गाड़ी का हादसा हुआ, किस ज़माने में रेलवे वज़ीर का दौरा इधर से उधर हुआ, वगैरह वगैरह। असलम खा चुका तो लदित्ता कहने लगा, हुजूर ज़रा कोठी भी मुलाहिजा कर लें। कोठी के लफ्ज पर असलम मुस्कुराया, फिर उठकर उसके हमरा क्वार्टर देखने चला गया। कोठी देखकर उसे कोई खुशी न हुई क्योंकि इससे पहली जगह उसके पास बेहतर क्वार्टर था, मगर इतने छोटे स्टेशन पर हो भी क्या सकता है, उसने सोचा और नज़र दौड़ाने लगा। दो कमरे, सामने छोटा सा बरामदा, तंग सा आंगन जिसके दरवाजे पर टाट का पर्दा लटक रहा था। सारे मकान पर इंजन के धुएं का गहरा रंग था। असलम कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो एक दरवाज़ा दूसरे कमरे में आ खुलता था और दूसरी तरफ एक बंद खिड़की थी। अच्छा तो ये बाहर खुलती है, और वो खोलने लगा। नहीं जनाब, अलादित्ता बोला,
ये बाहर नहीं खुलती, साथ मेरा क्वार्टर है ये उसी में खुलती है। इसकी चटखनी भी उधर ही है, इस तरफ से नहीं खुल सकती। मैं हमेशा साहिबों के साथ रहा हूँ ताकि हर तरह से खिदमत कर सकूँ। असलम मुताज्जिब हुआ कि कांटे वाले और स्टेशन मास्टर के मकान को मिलाया क्यों गया है, और वो भी ऐसे कि खिड़की कांटे वाले के मकान में खुल जाती है। जनाब, कोई 15 साल पहले हाजी अली अहमद साहिब स्टेशन मास्टर आए थे। उनकी अयालदारी बहुत थी, इसलिए मैं अपना क्वार्टर छोड़कर शहर चला गया था और उन्होंने बीच में खिड़की बनवा ली थी। असलम के दिल में पहला ख्याल यही आया कि उसको मेख लगाकर बंद कर देगा, मगर अब उसने सोचा कि यह अच्छी तजवीज़ है। जब वो बीवी बच्चों को लेकर आएगा तो मुमकिन है उसे भी साथ वाले क्वार्टर की ज़रूरत पड़े। असलम कुछ देर क्वार्टर देखता रहा, फिर बोला, क्यों अल्लाह देता, यहाँ कोई कुली वगैरह खाना बनाना भी जानता है? नहीं हुजूर, ऐसा तो कोई आदमी नहीं, मगर अल्लाह ने चाहा तो कोई तकलीफ़ ना होगी। मेरी बीवी दोनों टाइम आकर खाना बना दिया करेगी, आपकी खिदमत भी करेगी और बेगम साहिबा की भी। हम तो पुराने खिदमतकार हैं हुजूर। वो थोड़ी देर बातें करते रहे, फिर अलादिता ने लपझप बिस्तर लगा दिया और ख़ुद चला गया। असलम कुछ देर लेटा रहा, घर की फिजा गैर मानूस थी। खाली खाली कमरों में सामान के बंडल बेतरतीबी से पड़े थे, जैसे घर ना हो कोई मुसाफिर खाना हो। वो सिगरेट जलाकर चित लेटा हुआ कभी छत की कड़ियों पर जाले या गांठ के निशान देखने लगता, और कभी दीवार के उखड़े हुए प्लस्तर पर नजरें गाड़े बीवी बच्चों के मुतालिक सोचने लगा। शाम को असलम शहर की सैर के लिए निकला। आम रिवाज के बरक्स जहाँ का रेलवे स्टेशन बिल्कुल गांव का हिस्सा था, और स्टेशन मास्टर और अमले के क्वार्टरों के साथ ही गाँव की गलियाँ आती थीं, वह एक गली से दूसरी गली में मुड़ता गया। ज़्यादातर कच्चे मकानात थे, जिनमें से किसी के एक आध पक्की दीवार भी थी। आज़ाद मनुष्य नालियाँ, जिनकी चौड़ाई हैरत अंगेज़ तौर पर सिमटती और फैलती जाती थी। कहीं मतरूका जायदाद का मलबा, कहीं दीवारों पर उपले चिपके हुए, कहीं कूड़े का ढेर या पानी का जोहड़, और उसके गिर्द नंग धड़ंग बच्चे खेलते हुए। किसी छोटी सी कोठरी में मूँगफली और बर्फ़ी की दुकान, जिसकी अहमियत साथ लटके हुए लेटर बॉक्स से भी बढ़ गई थी। एक गली से निकला तो आगे बाजार था, जिसमें 15-20 दुकानें थीं, नीली केतलियों और मेली प्यालियों वाली चाय की दुकान, बनोले खल और दाल चन्नी की दुकान, सब्जी की दुकान जहाँ पकोड़े भी बनते थे, लोहार की दुकान, मोची की दुकान, हकीम साहिब की दुकान जहाँ कॉपियाँ पेंसिलें और जंत्री भी मिलती थी। टाट के पर्दे के नीचे एक हजाम भी था और इसी तरह की चंद और दुकानें। स्टेशन मास्टर नीली पतलून की जेबों में हाथ डाले मज़े मज़े से चल रहा था कि फल की एक काफ़ी बड़ी दुकान ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। वह हैरान हुआ कि इतने छोटे बाजार में फलों की इतनी बड़ी दुकान कैसे आ गई। एकदम फल वाला हड़बड़ा कर उठा, सलाम जनाब। असलम बड़ा हैरान हुआ, अभी तू यहाँ क्या कर रहा है? हुजूर, ये भी पेट पालने का जरिया है, तनख्वाह की आमदनी से तो गुजारा नहीं चलता, साथ यहाँ काम भी करना पड़ता है। और स्टेशन की ड्यूटी का क्या करता है? पत्ती है हुजूर, मेरी शौकत माशकी के साथ, जब मैं नहीं होता वो बैठता है। दोनों जनाब के नौकर हैं, मालकों की मेहरबानी से गुजर बसर हो जाती है। असलम ने कहा और आगे बढ़ने लगा, हुजूर दुकान पर आए हैं, कुछ फल तो चखते जाएं। फल खाने की बजाय असलम दित्तू की आंखों में टिमटिमाती हुई चमक देखने लगा। नहीं मियाँ, मुझे नमाज को देर हो रही है, कहता हुआ स्टेशन मास्टर आगे बढ़ गया। अगले दिन सुबह की गाड़ी चलवाकर असलम फारिग हुआ तो मुलाकातें आने शुरू हो गए। छोटे शहर में सरकारी मुलाजिम की काफ़ी इज्जत होती है, कुछ गर्जमंद और कुछ इलाके में ऊंची नाक रखने वाले लोग ज़रूर उनसे राह रस्म रखते हैं। असलम भी उस रवाज को जानता था, इसलिए जो भी आया वह उसे खंदा पेशानी से मिलता रहा। दो नंबरदार मिलने आए, मलिक चौधरी और हर किस्म के लोग बारी बारी आए। स्कूल मास्टर, सरपंच और इमाम मस्जिद मिलने आए। यूनियन कौंसिल के मेम्बर भी 2-4 आदमियों के जलों में आए। ख़ानदानी हकीम साहिब भी छड़ी समेत आए। जब भी कोई मुलाकाती आता तो पहले इतला देने आता और 2-4 जुमलों में उसका तारुफ करा देता। फिर असलम उनसे मिलता, पिछली मुलाजमत का जिक्र होता, आइंदा कयाम के लिए अच्छी उम्मीदों का इजहार किया जाता, और फिर हर खिदमत का वादा करके लोग चल देते। सबसे आखिर में दित्तू एक चिट लाया जिस पर लिखा था, मलिक रहमत अली ताजिर। कौन है ये? असलम ने पूछा तो दित्तू तारीफी अंदाज में बोला, यहाँ का मशहूर कारोबारी है जनाब, और अफसरों का बड़ा खिदमतकार है। सारे स्टेशन मास्टर उस पर बड़ी मेहरबानी करते रहे हैं, यह भी उनकी ताबीदारी करता है। बहुत अच्छा आदमी है जनाब, बुला लाओ। 40-50 बरस का भारी भरकम आदमी अंदर दाखिल हुआ। 2 फुट का तुर्रा, सेर भर के मूंछें, साफ सुथरी अचकन, लट्ठे की सफ़ेद धुली हुई धोती, नीचे से जरी वाली जूती की पेशदार नोकें झांकती हुई,
और हाथ में बटुए वाली चांदी की छड़ी। वो असलम से बड़े आदाब से मिला, बातें शुरू हुईं तो असलम को मालूम हुआ कि वह इलाके का ज़मींदार है, सोडा कंपनी का एजेंट भी है, शहर की सिगरेट और खाद की एजेंसी भी उसी के पास है, डिपो भी उसी का है और चंद एक और छोटे मोटे कारोबार भी करता है। आप नई जगह आए हैं, बच्चों के आने पर एक भैंस भिजवा दूँ, जब खुश्क हो जाएगी दूसरी भिजवा दूंगा। मगर असलम ने इनकार किया। वो जाने लगा तो दित्तू ने बड़े अदब से उसकी लाठी उठाकर उसे दी, फिर दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया, साथ ही बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद असलम ने वैसे ही दरवाजे में से झांका तो मलिक साहब और दित्तू बड़े घुल मिलकर बातें कर रहे थे। दो तीन रोज़ बाद शाम की गाड़ी ज़रा लेट थी, क्रॉस वाली गाड़ी खड़ी रही और असलम मसरूफ रहा, इसलिए शाम को बहुत देर से फारिग होने के बाद घर लौटा। बावर्ची खाने में दित्तू की बीवी अलावसाई खाना पकाकर घर जा चुकी थी। वो रोज़ाना आकर खाना बनाती थी, दित्तू के साथ मिलकर खिलाती थी और फिर बावर्ची खाने का कुछ काम करने के बाद चली जाती थी। असलम का ख्याल था कि महीना पूरा होने के बाद उसे कुछ तनख्वाह दे देगा। अलावसाई 30-32 साल की भरपूर औरत थी, जो सूरत से ज़्यादा अपने जिस्म से दूसरे को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती थी। शक्ल भी बुरी ना थी, रंग कैसा भी क्यों ना हो, गोल चेहरे को कौन काफिर बुरा कह सकता है। असलम ने उसे दो चार मरतबा एक आध नज़र देखा और बस, इससे ज़्यादा उसकी हिम्मत ना थी। आज देर होने की वजह से वो जा चुकी थी और दित्तू खाना खिलाने लगा। इतने में अल्लावसाई ने बच्चा भेजकर दित्तू को अपने क्वार्टर में बुलाया। वो वापस आया तो उसके हाथ में मिठाई का एक बड़ा खवान था, जो उसने असलम के सामने रख दिया। ये क्या ले आई दित्तू? जनाब, आज मलिक रहमत अली ये छोड़ गया था। क्यों लिया था मुझसे पूछे बगैर? असलम गुस्से में बोला। हुजूर, मुझे तो पता नहीं, अल्लावसाई घर पर थी, उसी के पास छोड़ गया है, अक्सर लाता रहता है हुजूर, अफसरों का ताबेदार है। क्यों लाता रहता है? आखिर हुजूर अफसर भी तो मेहरबानी करते हैं, उसका मनो सामान जाता है, कई दफ़ा ऊपर तले भी हो जाता है, तो हमने कभी पूछा भी नहीं। अब ये थोड़ी ताबेदारी भी ना करे तो क्या बात हुई भला? असलम अब सारी बात समझ चुका था। कान खोलकर सुन लो दित्तू, मैं रिश्वत खाना हराम समझता हूँ, और मलिक रहमत अली से साफ कह दो कि मुझसे किसी मेहरबानी की तवक्को ना रखे, ना ही मुझे उसकी खिदमत की ज़रूरत है। दित्तू एकदम हैरान सा होकर असलम को देखने लगा, जैसे वो कोई बहुत ही अजीब चीज़ हो। हुजूर, ये कौन सी रिश्वत है? सभी स्टेशन मास्टर ये करते आए हैं, बड़े बूढ़े दाढ़ियों वाले भी, जो पंचवक्ती नमाजी थे। चल बक बक ना कर, मेरे दाढ़ी नहीं है और मैं रिश्वत भी नहीं लेता। ये मिठाई उठाकर ले जाओ और उसे वापस कर दो। वो गुस्से से मुड़कर अंदर चला गया। अलादित्ता की आंखों की चमक मांद पड़ गई और वह गहरी सोच में डूबा हुआ थाल उठाकर घर चला गया। चंद रोज़ तक असलम काम का जायज़ा लेता रहा तो उसे मालूम हुआ कि छोटी मोटी बेकायदगियाँ होती रहती हैं। मिट्टी के तेल, फिनाइल, कोयले वगैरह की कागज़ों में बहुत खपत थी, गो असल इस्तेमाल में बहुत कम नज़र आता था। उसने वक्तन फवक्तन पड़ताल शुरू कर दी और मुलाजमों को टोकने लगा। अलादित्ता अब कुछ दब सा गया था, उसकी चर्ब जुबानी भी निस्बतन कम थी, दूसरे कुलियों और मुलाजमों पर भी रोब कदरे कम डालता था। उसकी शख्सियत में जो अंगारे से दहकते थे, उन पर हल्की सी राख की तह चढ़ गई थी। एक दिन असलम अच्छे मूड में था, इतने में कहीं से अलादित्ता नमोदार हो गया। अरे दित्तू, पानी तो पिला भाग के। दित्तू झट से गिलास लेकर भागा, लेकिन थोड़ी देर बाद नाकाम वापस लौटा। मटके सब खाली थे और पानी का नल खराब था, उसकी मरम्मत हो रही थी। अरे सत्यानाश, मुझे तो बड़ी प्यास लगी है। अच्छा जा, भाग कर इंजन वाले से पानी लिया, गाड़ी भी किस्मत से खड़ी है। दित्तू हैरान रह गया। जनाब, वो तो गर्म होगा। तो क्या हुआ, अभी रख देंगे तो ठंडा हो जाएगा। लेकिन जनाब, अगर इजाज़त हो तो फलों के किसी टोकरे में से संतरे निकाल लूँ, गाड़ी जो खड़ी है। ऐं, असलम की आंखें खुली की खुली रह गईं। खबरदार, मुझे चोरी का माल खिलाता है, दोबारा ऐसी बात ना करना। भागो यहाँ से और जाकर इंजन से पानी लाओ। दित्तू एकदम गायब हो गया। चंद दिन गुजर गए, असलम नई जगह जम चुका था, मकामी लोगों से कुछ राह रस्म हो गई थी, अपने मुलाजमों के काम का भी अंदाज़ा हो चला था, नई जगह की अजनबियत भी ख़त्म हो गई थी और अब वो बीवी बच्चों के बगैर कुछ उदासी महसूस करता था। दफ्तर में फारिग बैठे हुए या रात के अंधेरे में कमरे में चित लेटे हुए वो अक्सर हिसाब लगाता रहता था कि उसकी लड़की के इम्तिहान में भी इतने दिन बाकी हैं। वो फारिग हुआ तो फ़ौरन बीवी को घर ले आएगा, ताकि घर में रौनक और अल्लावसाई की तनख्वाह का बोझ भी हल्का हो। एक शाम पहली गाड़ी आ चुकी थी, लेकिन क्रॉस करने वाली कुछ लेट हो गई थी। ड्राइवर और गार्ड से वह कागजात ले चुका था और दोनों से बाहर की खबरों पर तबसरा करके अब तकरीबन सब मौजू ख़त्म कर चुका था।
गाड़ी रुकने के बाद की इब्तदाई गहमा गहमी ख़त्म हो चुकी थी और अब बेशतर लोग या तो किसी जगह बैठे थे या खिड़कियों के करीब टहल रहे थे। बच्चों के साथ सफ़र करने वाले जिनाना डब्बों की खिड़कियों से लगे गाड़ी चलने की दुआ कर रहे थे। इक्का दुक्का फ़कीर इधर उधर घूमकर एक एक मुसाफिर से कई कई बार नागवारी का इनकार सुन चुके थे। कई फेरे लगाने के बाद खांचे वालों की फुर्ती मध्यम पड़ गई थी और कुली अपने पैसे गिनने में मसरूफ़ थे। असलम ने टेलीफोन पर जाकर पिछले स्टेशन से बात की तो पता चला कि अभी गाड़ी के आने में काफ़ी देर है और वह प्लेटफॉर्म पर घूमता हुआ गाड़ी के आखिरी सिरे तक पहुँच गया। वहाँ से शक हुआ कि लाइन का कांटा ठीक नहीं बदला गया, लेकिन आगे जाकर देखा तो वह ठीक था और वह वापस मुड़ा। प्लेटफॉर्म से मुलहिक लाइन पर गाड़ी खड़ी थी। क्रॉस करने वाली गाड़ी दूसरी लाइन पर आने वाली थी। वह दूसरी गाड़ी देखने के लिए उस पटरी पर हो लिया और लकड़ी के स्लिपरों पर उचक उचक कर चलता हुआ उफक में धुआं ढूंढने लगा। इसी तरह वह आहिस्ता वापस आ रहा था। एकदम असलम ठिठका। गाड़ी की दूसरी तरफ एक डिब्बे के पास पहियों के नीचे से दित्तू फल का एक टोकरा शौकत माशकी को दे रहा था। शौका उसे पकड़ कर तेज़ी से शहर की तरफ भागा। असलम ने आवाज़ दी मगर उसी वक्त इंजन भाप छोड़ने लगा और उसकी आवाज़ शोर में दब गई। पूरा सुराग लगाने के लिए असलम फासला देकर शौके माशके के पीछे चलने लगा। थोड़ा ताकुब करने पर उसके खदशात दुरुस्त निकले। शौका माशकी बाजार में दित्तू की दुकान पर फल ले गया था। इतने में गाड़ी की विसल सुनाई दी और असलम वापस भागा। स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी रुक चुकी थी। उसने भागम भाग कार्रवाई पूरी की, दोनों गाड़ियों को चलवाया, अगले स्टेशनों पर रवानगी की इत्तला दी और फिर इत्मीनान से दित्तू की तलाश की, मगर दित्तू और शौकत दोनों गायब थे। शाम के खाने पर असलम दित्तू पर बरस पड़ा। उल्लू के पट्टे, गाड़ी में से फल चुराते शर्म नहीं आती, हरकतें तुम करते हो मगर नाम मेरा बदनाम होगा। पर दित्तू साफ मुकर गया, कैसा फल हुजूर, कौन सी गाड़ी? शौका किधर है? असलम धाड़ा। वो तो जनाब मातम हो गया, उधर गया है, दित्तू सुकून से बोला। कहाँ मातम हुआ है, बुलाओ उसे। वो तो साहिब ढोक गया है, यहां से चार कोस दूर। असलम ने तैश में आकर बर्तन फेंक दिए। दित्तू को अपनी जुबान में हर गाली दे डाली और सुबह सवेरे पुलिस के हवाले कर देने का फैसला सुनाकर उसे बाहर निकाल दिया। पुलिस का नाम सुनकर दित्तू घबराया, कान लपेट कर चल दिया। रात को असलम चारपाई पर लेटा तो देर तक सोचता रहा कि दित्तू के खिलाफ क्या कार्रवाई करे कि उसके साथ दूसरों को भी नसीहत हो। वो आज तक जहां भी रहा था उसने हुस्ने कारकर्दगी और दयानतदारी में बड़ा नाम पैदा किया था, लेकिन अगर अब उसका अमला आज़ादी से मनमानी करता रहा तो खामखा बदनाम हो जाएगा। उसने सोचा कि कल से अल्लाह वसाई और दित्तू का दाखिला घर में बंद कर दे और अपनी बीवी को तार देकर बुला ले। लड़की इतने दिन अपने मामू के यहाँ रह सकती है। इस किस्म के प्रोग्राम बनाता वह सो गया। धरती के गहरे सीने में से कोई मध्यम सी गूंज उठी जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आती गई। असलम बेदार हुआ तो वह दरवाजे का खटका था। नींद से लदी हुई आंखों में छोटी सी दरस हुई तो रोशनी की किरणें घूमते हुए दिमाग से जा टकराईं और असलम ने घबरा कर आंखें खोल दीं। कमरे में लैंप की रोशनी थी। उसने सर उठाया तो लैंप के पास अल्लाह वसाई का चेहरा नजर आया। दोनों क्वार्टरों के दरमियानी खिड़की खुली थी, उसमें अल्लाह वसाई लैंप हाथ में पकड़े खड़ी थी। असलम को आंखें खोलते देखकर वो मुस्कुराई और उल्टे हाथ से खिड़की भिड़कर आहिस्ता आहिस्ता असलम की तरफ बढ़ने लगी। उसका दुपट्टा गायब था, गिरबान के बटन खुले हुए थे। लैंप की रोशनी में जिस्म के उभार भरपूर थे, सर के बाल ढीले ढाले, चमकती आंखों और मुस्कुराते होंठों से वो कदम ब कदम आगे बढ़ रही थी। क्या बात है अल्लाह वसाई? असलम एकदम उठकर बैठ गया। वो आगे आई, आहिस्तगी से मेज़ पर लैंप रखा और सिडोल बाजू सीने पर रखकर मुस्कुराने लगी। मर्द किसी ऐसे वकूए के लिए जहनी तौर पर तैयार ना हो और उसे अचानक सुपुर्दगी में डूबी हुई औरत का सामना करना पड़ जाए तो यह उसकी ज़िंदगी का ऐसा लम्हा होता है जिसमें उसकी खालिस शख्सियत बेनकाब होकर सामने आती है। उसका रद्द अमल सोच बनावट और पॉलिसी से खाली होता है और उसके सारे माजी का निचोड़ उस एक लम्हे में टपक पड़ता है। इन मामलात में ना तजर्बाकार सीधा साधा मर्द किसी सहरजदा की तरह भाग निकलता है, मगर उस मैदान का शातिर मज़े से हाथ बढ़ा लेता है। असलम भी अल्लाह वसाई का मतलब समझ गया था और उसकी शख्सियत के सारे अज्जा गैर शौरी तौर पर उस सूरत हाल से निकलने के लिए कल बुलाने लगे। इस वक्त क्यों आई हो? असलम ने हड़बड़ा कर पूछा। मैंने कहा, वो हंसी, आप थक गए होंगे, ज़रा पाँव दबाऊँ, और वह पाइंथी की तरफ बढ़ी। नहीं नहीं, असलम छलांग लगाकर चारपाई से कूदा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, कोई थकावट नहीं, तुम जाओ। वो कोने में जा खड़ा हुआ और हाथ से जाने का इशारा करने लगा। अल्लाह वसाई ने नज़र भर कर उसे देखा,
फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे, जैसे पतला बादल रिंगता रिंगता चांद को ढांप ले। मुस्कुराहट गायब हुई, आंखें बुझ सी गईं, जिस्म ढीला पड़ा और चेहरे पर शिकस्त और मायूसी छा गई। बाबूजी, आप दित्तू को पुलिस के हवाले ना करें, हमारा तो कारोबार ही गाड़ी से चलता है। आप रात को जब चाहें खिड़की पर थाप दे दें, मैं आ जाऊंगी। पहले भी कई अफसरों की इसी तरह सेवा करती रही हूं। मर्द का लम्हा गुजर चुका था और अब असलम में अफसर बेदार हो गया था। निकल जाओ यहां से, तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? दफा हो जा फाहिशा कुटनी, खबरदार जो अब इस घर में कदम रखा। कल सुबह मैं देखता हूं कि तुम इस क्वार्टर में कैसे रहते हो। और वो गालियां देता रहा। अल्लाह वसाई की आंखों में आंसू चमकने लगे। वो एकदम लैंप उठाकर चली गई। खिड़की धम से बंद हो गई। गुप अंधेरे में असलम गुमसा हो गया। मिठाई के टुकड़े पर जिस तरह चींटियां चार तरफ रेंगती हैं, उसी तरह उसके जहन पर एहसासात के ताने बाने एक दूसरे को रोनते हुए रेंग रहे थे। थोड़ी पशिमानी, काफ़ी हैरत और कदरे पछतावा उसके लाशौर में गडमट थे, मगर बज़ाहिर वो सख्त गुस्से में था और उसकी अखलाकी हैसियात बुरी तरह मजरू थीं कि अल्लाह वसाई ने उसे इस कुमाश का आदमी क्यों समझा। एकदम वो तैश में आकर उठा और खिड़की पर घूंसा मार कर चलाया। सुअर के बच्चे दित्तू, कल 10 बजे तक ये क्वार्टर खाली कर दो, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा और नौकरी से निकलवा दूंगा। उसे यकीन था कि दित्तू वहां मौजूद है। असलम वापस आकर चारपाई पर लेटा, मगर उसे काफ़ी देर तक नींद ना आई। उसकी शरीफाना जिंदगी और नेकनामी की शोहरत बार बार आकर झंझोड़ती। इस किस्म की किसी हरकत की वजह से बदनामी के तस्वर ही से वो कांप उठता। असलम मुतवस्सित तबके की मजबूत अखलाकी तंजीम का परवरदा था, जिसकी ज़िंदगी में शादी से पहले जिस जिन्स की तस्कीन के मवाक़े अव्वल तो आए ही नहीं, और अगर चंद एक इम्कान की हद में आए भी तो उनसे फ़ायदा न उठा सका। इसलिए उसकी अखलाकी यकसानियत में उस तलातुम से सदमा पहुँचना कुदरती था। वो देर तक बिस्तर पर पहलू बदलता रहा, फिर उठकर एक गिलास पानी पिया, जिससे आसाब को कुछ तकवीत हुई और वह फिर आकर लेट गया। सुबह असलम ज़रा देर से बेदार हुआ। बावर्ची खाने से बर्तन खड़कने की मखसूस आवाज़ नहीं आ रही थी और घर में खामोशी थी। उसे बिस्तर पर लेटे लेटे पता चल गया कि आज अल्लाह वसाई काम पर नहीं आई। गाड़ी के आने में भी काफ़ी देर थी और वो आराम से तैयार होने लगा। परवाह नहीं, वो शेव का ब्रश दाढ़ी पर ज़ोर से रगड़ते हुए बुड़बुड़ाया। चंद दिन स्टेशन की दुकानों से काम चल जाएगा और फिर घर के सब लोग आ जाएंगे। नहाने के बाद जिस्म पर तौलिया रगड़ते हुए उसने सोचा कि बीवी को खत लिखकर जल्द अज जल्द आने की ताकीद करे, ताकि ये सब झमेले ख़त्म हों। कपड़े पहनकर वो घर से ज़रा जल्दी निकलने लगा कि स्टेशन पर नाश्ता करेगा, मगर दरवाजे पर ही मलिक रहमत अली मिल गया। अपनी चमकीली छड़ी उठाकर उसने दोनों हाथों से अदब से सलाम किया। आइए मलिक साहब, असलम ने खुशखलकी से कहा, आज आप सुबह सवेरे कहाँ घूम रहे हैं? बस जी, वैसे ही ज़रा सलाम को हाजिर हो गया था, मलिक रहमत अली ने कदरे मोहताज जवाब दिया। दोनों तरफ से मिजाज पुरसी हुई और असलम घड़ी देखते हुए बोला, मैं ज़रा स्टेशन पर जा रहा था, कोई काम तो नहीं क्या? नहीं जनाब, काम तो नहीं, आपका भी वक्त कीमती है, लेकिन अगर चंद लम्हे रुक जाएं तो जल्दी जल्दी एक छोटी सी अर्ज़ कर लूँ। जी फरमाइए। मलिक रहमत अली ने चोर नज़रों से इधर उधर देखा और बात करते करते झिझक गया। कोई ख़ास बात है क्या? असलम उसकी झिझक देख कर बोला, जी नहीं, ख़ास नहीं, लेकिन ज़रा अंदर चले चलें तो मुझे इत्मीनान रहेगा। असलम नागवारी से उसे अंदर ले आया। जी वो, उसने गला साफ किया, मैं हाजिर हुआ था कि दित्तू को माफ़ी दे दें, नादान है, बेवकूफ़ है, नौकरों से गलतियां हो ही जाती हैं, मालिक का तो काम ही माफ़ी देना है। असलम ने तेज़ आंखों से मलिक रहमत अली को घूरा, दित्तू आपके पास क्या था? जी वो तो सवेरे से मेरे घर बैठा रो रहा है, मुझे जगाया भी उसी ने है, दरअसल गरीब आदमी है, अरसे से फल का कारोबार इसी तरह करता है, उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और गांव वालों को आसानी से अच्छा फल मिल जाता है, दोनों का भला है। जैसे गांव का रहने वाला है, मैंने ही इसे यहाँ नौकर कराया था, 15 बरस से इस स्टेशन पर काम कर रहा है, कभी कोई नाखुशगवार बात नहीं हुई, दुनिया के कारोबार तो इसी तरह चलते हैं जनाब। असलम नज़र जमा कर मलिक रहमत अली की बात सुनता रहा, जो छड़ी से फर्श को रेतता हुआ ऐसे धीमे धीमे बात कर रहा था जैसे गाड़ी से फल चुरा कर बेचना कोई गैर मामूली बात ही नहीं। मगर मलिक साहब, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और जानते बूझते हुए फल चुराने की इजाज़त कैसे दे सकता हूँ? मलिक रहमत अली खुशामदाना से अंदाज में हंसा और लट्टू की तरह छड़ी घुमाने लगा।
आप बहुत सादे और शरीफ आदमी हैं, मगर असलम की आंखों में आंखें डालकर वो थोड़ा आगे को झुका। आप जानने की कोशिश ही क्यों करते हैं? अगर वो अपना ज़मीर गंदा करता है आपकी बला से, आप क्यों उस कीचड़ में आते हैं? आपने कौन सा सारी उम्र जहाँ बैठे रहना है? 6 महीने साल की बात है, फिर कोई दूसरा अफसर आ जाएगा। आप ये चीज़ें रोक भी देंगे तो फिर दोबारा शुरू हो जाएंगी। मैं दित्तू को समझा दूंगा कि जब तक आप यहाँ हैं वो ज़रा एहतियात से काम ले और हाथ रोक कर रखे। अब असलम से बर्दाश्त ना हो सका और वह खड़ा हो गया। देखिए मलिक साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे महकमाना इंतज़ाम में दखल ना दें। मैं दित्तू को कह चुका हूँ कि मैं उसके ख़िलाफ़ अफसराने बाला को रिपोर्ट करूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद पुलिस को भी केस देना पड़े। अभी स्टेशन पर जाकर ज़रा इंक्वायरी कर लूँ तो कुछ फ़ैसला करूँगा। बहरहाल ये तो होता रहेगा, मगर उसे क्वार्टर आज ही खाली करना पड़ेगा। इस मामले में मैं किसी की बात नहीं मान सकता। मलिक रहमत अली बड़ी तवज्जो से असलम की बात सुनता रहा, मगर उसकी आंखों में एक तमस्खर छुपा हुआ था जो मूंछों की हल्की सी हरकत से भी आया होता था। उसने असलम के गुस्से को और बढ़ा दिया और वह बाहर की तरफ चलने लगा, मगर मलिक रहमत अली अपनी जगह से ना उठा और असलम को रुकना पड़ा। जनाब, मुझे गलत मत समझिए, मलिक रहमत अली आहिस्तगी से बोला, मेरा मकसद हरगिज़ आपके काम में दखल देना ना था। मैं तो हमेशा से अफसरों का ताबेदार और खिदमत गुजार रहा हूँ। आप आइंदा भी मुझे अपना खैर ख्वाह पाएंगे। और उसने खनकार कर गला साफ किया, मैं नहीं चाहता था कि दित्तू लोगों से उल्टी सीधी बातें करता रहे। असलम ने कुछ सोचकर उसे क्वार्टर से निकालने का इरादा कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया, लेकिन उसने दित्तू की रिपोर्ट ऊपर ज़रूर कर दी। 3 दिन तक वो उलझन में पड़ा रहा और उस उधेड़ बुन की वजह से फैसला ही न कर सका कि दित्तू को क्वार्टर से बाहर निकाले या नहीं। 4th रोज़ जब गाड़ी आकर रुकी तो उसमें से उस्मान उतरा। उसे रेलवे बोर्ड ने इंक्वायरी के लिए भेजा था। उसके पास असलम की भेजी हुई रिपोर्ट थी। इसके अलावा गांव के कई लोगों के दस्तखतों से एक लंबी अर्जी थी जिसमें असलम के ख़िलाफ़ शिकायत थी कि उसने ज़बरदस्ती अल्लाह वसाई को नाजायज़ ताल्लुकात पर मजबूर किया और दित्तू को सिलसिले में तंग करने के लिए क्वार्टर खाली करने की धमकियाँ देता है। अर्जी पर मलिक रहमत के दस्तखत ना थे, मगर उसके मुख्तार ख़ास मुंशी और मुलाजमों के थे। साथ ही दित्तू, शोका माशकी और शहर के चंद और लोगों के भी दस्तखत थे जिन्होंने इस्लामी अखलाक के नाम पर हुकूमत से नेक अफसर भर्ती करने की इस्तदा की थी। दूसरे दिन इंक्वायरी शुरू हुई। उस्मान ने दित्तू के बयान लिए, अल्लाह वसाई के बयान लिए, अर्जी पर जिन लोगों के दस्तखत थे उनको भी बुलाकर पूछा। मलिक रहमत अली से भी तवील बातचीत की और बाद अज़ां सारा मामला उसके साथ भी ज़ेर बहस आया। ये सारा सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। उस असना में ये बात शहर में आग की तरह फैल गई थी। दित्तू, शोका और मलिक रहमत अली हर जगह लोगों को अपनी कहानी सुनाते जो उन्होंने अर्जी में लिखी थी और बड़े फ़ख्र से कहते कि इंक्वायरी उन्होंने कराई है और अब चंद दिन बाद स्टेशन मास्टर तब्दील हो जाएगा। छोटे से कस्बे में इतनी बड़ी बात पर खामोशी कैसे रहती? लोगों के फिक्रे कंधे उचक उचक कर एक दूसरे तक गए और औरतों के बज़ाहिर मासूम खुसर फुसर के ज़रिए 7 तहखानों में छुपी हुई कवारियों तक को असल किस्से से बहुत ज़्यादा बातें मालूम हो गईं। अल्लाह वसाई शहर में निकलती तो मर्द उसे नफ़रत से देखते, जवान लड़कों के मुँह में पानी भर आता और औरतें दफा दफान के बावजूद आँखों के कोनों और पल्लू की आड़ से दूर तक देखती रहती। स्टेशन मास्टर इतने दिन बाहर ना निकला, वो ज़्यादातर अपने क्वार्टर में रहता जहाँ उस्मान उसके पास ठहरा हुआ था और इस बात पर खुश था कि उसकी रिपोर्ट पर दित्तू के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब दित्तू को क्वार्टर से निकालना बेकार था क्योंकि इंक्वायरी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और फिर दित्तू खुद ही तब्दील होकर चला जाएगा। गो मलिक रहमत अली शहर में डंके की चोट पर कहता था कि वो दित्तू के साथ है और कोई माई का लाल उसे तब्दील नहीं कर सकेगा। वो शहर के लोगों से भी बार बार कहता कि सरकारी नौकर बाहर के लोग होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, मगर हम सबको तो यहाँ रहना है, इसलिए सब दित्तू की हिमायत करें, ख्वामखा क्यों बाहर वालों की वजह से आपस में नाचाकी हो। दोनों इंक्वायरियाँ ख़त्म हो गईं, उस्मान चला गया, लोगों में चहमगोइयाँ मध्यम पड़ने लगीं। 1 हफ्ते बाद ऊपर से ऑर्डर आ गया। इंक्वायरी में असलम बेकसूर साबित हुआ था और दित्तू को फहमाइश की गई थी कि अगर अब उसके खिलाफ फल चुराने की शिकायत आई तो उसे बरतरफ कर दिया जाएगा। अब असलम शहर में निकलता तो ख्वाह मखा लोगों से बातें करना ठहर जाता और बात को हेर फेर कर इंक्वायरी की तरफ ले जाता, फिर बताता कि वह खुद बेकसूर साबित हो गया है और यह सब दित्तू और मलिक रहमत अली की शरारत थी। मुझे सब कुछ बड़े फ़ख्र से बताया करता क्योंकि पिछले कई साल से फल की चोरी होती थी और दूसरी कवायद की खिलाफ वर्जी हो रही थी और यह सब उसने आकर रोक दिया था,
مگر لوگوں کے رد عمل سے اسے صحیح اندازہ نہ ہوتا تھا کہ وہ اسے بے قصور سمجھتے ہیں یا ابھی تک اللہ وسائی کا عاشق خیال کرتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ محسوس کرتا تھا کہ لوگوں کے سلاموں میں اب اس کے لیے وہ احترام نہیں رہا اور ملنے والوں کی بے تکلفی میں بھی ایک پردہ سا تھا۔ چند روز بعد اسلم ڈیوٹی پر تھا۔ صبح کی ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہو رہی تھی کہ اسے گارڈ کے ڈبے میں رشید نظر آیا۔ یہ اس کا اسکول کا دوست تھا اور اب ریلوے میں کام کرتا تھا۔ گاڑی رکتے ہی اسلم دوڑا گیا اور جا کر رشید کے گلے لگ گیا۔ ارے ظالم، بڑے دن بعد نظر آئے، کہاں گم رہتے ہو؟ اسلم نے اسے تھپکی دی۔ میاں، تمہاری شہرت کے غبار تلے چھپا تھا، ہم غریبوں کو کون جانتا ہے؟ کیسی شہرت؟ اسلم نے پوچھا۔ اچھا، اتنے بڑے مارکے بھی مارتے ہو اور ہم سے بھی پوچھتے ہو؟ چلو بکواس نہ کرو اور آ کر چائے پیو۔ چائے پینے کون آیا ہے، ہم تو تمہارا حرم دیکھنے آئے ہیں۔ دونوں ہنسنے لگے۔ اسلم بھی مذاق کا جواب مذاق سے دیتے ہوئے بولا، تم جیسے نامحرم ہمارے حرم میں نہیں آ سکتے۔ ارے واہ، رشید اس کی پیٹھ پر دھپ مار کر بولا، انکوائری افسر تو نامحرم نہیں ہے اور ہم نامحرم ہیں؟ اسلم چھینپ گیا اور رشید کہکہا مارنے لگا۔ وہ کمرے کے پاس پہنچ چکے تھے اور اندر جا کر چائے پینے لگے۔ رشید نے چائے کی لمبی چسکے لی، سٹول گھسیٹ کر ٹانگیں اس پر رکھیں، کرسی کی ٹیک پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں اور گھونٹ نگل کر بولا، بڑی عمدہ چائے ہے یار، سچ بتا اس نے بنا کر بھیجی ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو، اسلم نے مصنوعی غصے سے کہا، اس نے کس نے؟ اللہ قسم، عثمان بڑی تعریف کر رہا تھا اس کی، کہتا تھا کہ بڑا ہاتھ مارا ہے ظالم نے، سچ مانو تو وہ ابھی تک نشے میں ہے۔ اسلم فضول بات کہہ کر چائے پینے لگا۔ ایک بات بتاؤ اسلم، رشید پیالی رکھ کر بولا، اسکول کے زمانے میں تو تم بڑے صوفی، مولوی، پرہیزگار، عبادت گزار اور نامعلوم کیا کیا تھے، مگر بھائی اب کے تو تم نے کمال کر دیا۔ میں تو اب بھی صوفی ہوں۔ ہاں ہاں ضرور، مگر، رشید انگلی سے میز بجاتا ہوا گانے لگا، مجھ سے پہلی سی عبادت میرے معبود نہ مانگ۔ اسلم بھی ہنسنے لگا۔ رشید کافی دیر تک اسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کرتا رہا۔ اسلم پہلے تو اسے خالص مذاق سمجھتا رہا، مگر بعد میں رشید نے سنجیدگی سے بتایا کہ ہیڈ کوارٹر پر عام لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ عثمان خود بھی ان معاملوں میں تیز ہے، اس لیے اسلم نے عثمان کو بھی اللہ وسائی سے مستفید کرا دیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنی رپورٹ میں اسلم کو بے قصور بتا دیا ہے۔ اسلم کے تن بدن سے ایک دم جان نکل گئی، اس کی آنکھیں پیالی میں گڑی رہیں، رنگ سرخ ہو گیا اور دماغ میں بلبلے اٹھنے لگے۔ اس نے ایک دم چائے کا بڑا سا گھونٹ نکلا، گرم سا گولا دیواروں کو دھکیلتا وہ نیچے کو سرک گیا اور وہ آنکھیں جھپک رشید کی غلط فہمی دور کرنے لگا۔ دونوں کافی دیر تک سنجیدگی سے بات کرتے رہے۔ رشید تو قائل ہو گیا، مگر اس کا خیال تھا کہ محکمے کے عام لوگوں کے دل سے یہ خیال نکالنا قریباً قریباً ناممکن تھا، کیونکہ ساری انکوائری کے باوجود ابھی تک الدتہ وہیں موجود تھا۔ وہ تو ملک رحمت علی کے رسوخ کی وجہ سے ہے، اسلم بولا۔ اب کسی کو کیا معلوم کہ وہ تمہارا رسوخ ہے یا ملک رحمت علی کا۔ باہر یہ بات ہر طرف زبان زدام ہے کہ اللہ وسائی اور دتو صرف تمہاری خدمت کے لیے وہاں پر رکھے گئے ہیں، بلکہ ابھی تک وہاں پر چھوڑے گئے ہیں، اور تم ان کو جانے دینا نہیں چاہتے۔ اسلم نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا۔ یار تم نرے ہونک ہو، رشید بولا، کیوں خامخواہ فکر کرتے ہو؟ لوگ جو کچھ کہتے ہیں کہنے دو، اگر بالفرض تم نے کچھ کیا بھی ہے تو کیا برا کیا ہے؟ سبھی یہ کچھ کرتے ہیں، جو پکڑے گئے وہ مجرم ٹھہرے، جو چھپے رہے وہ نیک رہے، تم کیوں پرواہ کرتے ہو؟ بس یہ ہے کہ آئندہ محتاط رہو۔ اسلم سارا دن رشید سے بات چیت کرتا تھا، مگر اس کا دماغ معاف سا تھا، جیسے وہ صرف اوپر کی سطح سے سوچ رہا تھا اور نیچے سب کچھ سن ہے۔ شام کی گاڑی سے رشید چلا گیا۔ اسلم نے بڑی بے دلی سے کاغذات مکمل کیے، ضابطے کی باقی چیزوں سے فراغت حاصل کی اور پھر من من بھر کے قدم گھسیٹتا اپنے پلیٹ فارم کے آخری سرے پر تھا تو بکنگ کلرک نے پیچھے سے آواز دی۔ اسلم نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک خط دکھا رہا تھا۔ یہی لے آؤ، اسلم نے تھکی ہوئی آواز میں کہا اور ڈھیلا سا کھڑا ہو گیا۔ کلرک خط لایا۔ اسلم نے دیکھے بغیر لفافہ جیب میں ڈال لیا، اس کا دل کسی کام پر آمادہ نہ ہوا تھا۔ کمرے میں جا کر اس نے لیمپ روشن کیا اور کپڑے تبدیل کیے بغیر دھم سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میز پر کوہنیاں ٹکا کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر وہ سوچنے لگا۔ رشید کے مذاق، محکمے کے لوگوں کے اندازے،
शहर के लोगों में एहतराम की कमी, दित्तू का फल चुराना, अल्लाह वसाई का आधी रात को कमरे में आना, ये सब ख्यालात उसके जहन में यूं बारी बारी सर उठा रहे थे जैसे तेज़ बारिश में पक्के फर्श पर बुलबुले इधर से उधर नमूदार होते हैं, थोड़ा तैरते हैं और गायब हो जाते हैं। वो सोचने लगा, सोसाइटी क्या है, मैं क्या हूँ, किरदार क्या है, ये मेरा तर्ज़ अमल है या मेरे मुतालिक लोगों का तासर है, मैं बदी खुद करता हूँ या सोसाइटी मुझसे कराती है। नामालूम कितने ही सवाल आंधी के बगोलों की तरह उसके दिमाग में आए और उनको दूसरे बगोले धकेल कर ले गए। कहीं अल्लाह वसाई के जिस्म के पेचोखम चुपके से सर उठाते और एक हल्का सा पछतावा उसके दिमाग की दीवारों पर लरसने लगता कि जब लोग उसके बारे में ये ख्याल करते हैं तो उसने खुद ये मौका क्यों गंवाया, और अगर वो दुनिया की नज़रों में बदकिरदार है तो उसकी अपनी नेकी किस काम की। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही बैठा रहा। लैंप की रोशनी में उसके चेहरे पर जा बजा तारीकी के घड़े पड़े हुए थे और वह बुध की मानंद बेजान बैठा हुआ था। मान उसे खत का ख्याल आया, उसने जेब में हाथ डाला, निकाल कर लिफाफा चाक किया, कड़कड़ाते हुए कागज़ खोला तो उसकी बीवी की तहरीर आंखों के सामने नाचने लगी। मेरे सरताज सलामत रहो, कल मैं उस्मान की बीवी सकीना से मिली थी, उसने बताया था कि उस्मान साहिब किसी इंक्वायरी के सिलसिले में तुम्हारे पास आए थे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आता कि तुम्हारे खिलाफ भी ऐसे इल्ज़ाम हो सकते हैं और फिर सच भी हो सकते हैं। सकीना कह रही थी कि उस्मान ने उसे बताया था कि तुम्हारे कांटे वाली की बीवी से नाजायज़ ताल्लुकात हैं, ये इंक्वायरी में साबित हो गया था, मगर उस्मान ने सिर्फ तुम्हें बचाने की खातिर ये रिपोर्ट दी कि इल्ज़ाम गलत है, हालांकि उसे इंक्वायरी में यकीन हो गया था कि तुम्हारे उस औरत का लफ्ज़ फूलने लगा, सतरें होले होले तैरने लगीं, अल्फाज एक झटके से धर्म भरम हो गए और आंसुओं के कतरे उसके पलकों पर रसने लगे। सारी दुनिया कुछ भी सोचती लेकिन अगर उसकी बीवी उस पर एतबार करती तो उसे किसी की बात की कोई फिक्र न थी। खत मेज़ पर रखा था, सामने लैंप था, खत के दोनों तरफ असलम की कोहनियाँ टिकी हुई थीं, हाथों में सर थमा हुआ था और शीशे के से शफाफ कतरे लैंप की रोशनी में टूटते हुए तारों की तरह चमकते हुए टिप टिप खत पर गिर रहे थे। अगली सतर उसकी नज़र में धुंधलाई धुंधलाई आई, उसने गौर से पढ़ने की कोशिश की, न पढ़ सका। उसने अपनी आंखों में आई हुई नमी साफ की, धुंधलाहट थोड़ी कम हुई। मेरे सरताज, पूरी दुनिया जो कुछ कहे, मुझे आप पर एतबार है, मैं आपकी मोहब्बत की हद को जानती हूँ, मैं आपकी शराफत को जानती हूँ। जो शख्स तन्हाई में भी हया से काम ले वो ऐसा बेहयाई का काम कभी नहीं कर सकता, मैं आपकी तन्हाइयों की गवाह हूँ। दुनिया जो भी कहे, अल्लाह के आगे ये गवाही देने के लिए मैं तैयार हूँ। अपने दिल पर किसी किस्म का बोझ मत रखिएगा, छोटी के इम्तिहानात ख़त्म होने वाले हैं, मैं बहुत जल्द आपके पास आ जाऊँगी, तमाम मसले हल हो जाएंगे, फ़कत आपकी। असलम को लगा कि जैसे ये ख़त नहीं था, ये कोई वही थी, ये खुदा की तरफ से भेजा वो कोई पैगाम था जो उसके दिल पर सकीनत के लिए नाजिल किया गया। एक झटके से उसके दिल और दिमाग से तमाम बोझ उतर गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके सर पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो जो उसके पांव तक बहकर निकल गया हो। दुनिया की नज़रों में जो कुछ भी हो, अल्लाह के आगे सुरखरुई ज़रूरी है। वो कमज़ोर पड़ने लगा था, उसने सोचा था कि वो दुनिया की नज़रों में बद किरदार है तो उसकी अपनी नेकी किस काम की, लेकिन वो भूल गया था कि अल्लाह की निगाहों में नेक किरदार होना बहुत ज़रूरी है। वो अल्लाह की निगाहों में नेक किरदार ना होता तो अल्लाह कभी उसकी बीवी के दिल में ये बात ना डालता कि उसका शोहर बेकसूर है। वो बेकसूर था अल्लाह की निगाहों में, बीवी की निगाहों में और ख़ुद अपने ज़मीर के आगे। उसकी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। वो उठा, वजू करने के लिए बाहर निकला, उसे अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा करना था। लिसनर्स, इसके साथ ही ये सच्ची कहानी ख़त्म होती है। कहानी का एंड डाइजेस्ट में थोड़ा मुख्तलिफ था, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सच्ची कहानियों का अख्तिताम अच्छी उम्मीद, अच्छी जगह पे हो तो दिल को सुकून रहता है, क्योंकि अगर अंजाम अच्छा ना हो और हमें पता चल जाए कि कहानी और वाकयात सच्चे हैं तो फिर दिल पे एक बोझ सा छोड़ के जाती है कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
और मेरे कुरान चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल दास्तान सराय विद रुबाब को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैं दोनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूँगी इंशाल्लाह। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।